माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव ॐ श्री गुरुभ्यो नमः आज हम पुनः श्रीमद् भगवत कथा को श्रवण करते हुए उस पावन गंगा के तट पर चलते हैं जहाँ श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा का रस स्वादन कराते हैं कल हमने देखा था कि व्यक्ति जब अज्ञानता में होता है या अविद्या की स्थिति में होता है उस समय वो बहुत कष्ट पाता है लेकिन जब आत्मज्ञान, आत्म, आत्म तत्व से प्राप्त हो जाता है आत्मनिष्ठ हो जाता है उसमें उसके सारे जो भी कष्ट थे जीवन में जो भी दुख था वो सब खत्म हो जाता है ऐसे ही राजा चित्रकेतु जिनका हम कथा सुनेंगे श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताते हैं कि जब चित्रकेतु के जीवन में अनेक प्रकार के सुख थे लेकिन कई दुख भी था वो एक कष्ट था पुत्र प्राप्ति का लेकिन जब पुत्र प्राप्त हो जाता है जब उसकी मृत्यु होती है उसके बाद फिर वो घोर अंधकार में घोर शोक में चले जाते हैं तो कहने का तात्पर्य यही है कि संसार में व्यक्ति जब है तो वो आत्मनिष्ठ होकर के तत्व बोध के साथ जीवन यापन करता है तो उसके जीवन के अनेक कष्ट अपने आप समाप्त होते हैं ऐसे ही चित्रकेतु को जो संतान की प्राप्ति हुई वो ऋषि के आशीर्वाद से प्राप्त हुए थे संत तो दयालु है करुणा के सागर कहे जाते हैं ऋषि तरकाल होते उन्हें पता चल गया चित्र तो फिर से शोक में डूब चुका है तो नारद मुनि और ऋषि उनके दरबार में फिर से आते हैं उन्हें उपदेश करना शुरू करें उससे पहले ऋषि बोले कि जब मैं प्रथम बार आपसे मिला था उसी समय में आपको उस तत्व का बोध मतलब कराना चाहता था लेकिन आप उस स्थिति में नहीं थे कहने का मतलब यह है कि संसार में जब कहीं सत्संग चले कहीं संतों का संग मिले तो वहां पर हमें वो चीज उनसे पूछनी चाहिए जिसे प्राप्त करके बाकी सब शेष समाप्त हो जाते हैं लेकिन यहाँ पर क्या था ऋषि ये देखते हैं कि वास्तव में वो व्यक्ति जो सामने बैठा है वो ज्ञान प्राप्त करने के योग्य है कि नहीं अब मान लो किसी व्यक्ति की निष्ठा ही नहीं उस परम तत्व को प्राप्त करने में हम अपना उपदेश किए जा रहे हैं तो हमारा वो उपदेश अपने आप निरर्थक हो जाता है तो सबसे पहले ऋषि हैं गुरु हैं जो भी वो पहले यही देखते हैं कि जो ज्ञान मेरे पास है क्या वास्तव में ये व्यक्ति उसके योग्य है कि नहीं ऐसे ही ऋषि अंगिरा ने किया उस समय राजा से जब मिले तब वो अगर ज्ञान का तत्व जो भी था बोध कराने का प्रयास भी करते तो राजा को वो बात समझ में नहीं आती अब जब आए ऋषि तो उन्होंने देखा अब इनको उपदेश करना चाहिए ऋषि तो अंगिरा कहते हैं कि वास्तव में जो अपना है नहीं आगे भी नहीं रहेगा और ना था कभी तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए उस समय केवल परम तत्व का ध्यान उस विराट का चिंतन उसके चरणों में अपने चित्त को लगाना तभी आपके जीवन का उद्धार हो सकता है ऐसे ही नारद मुनि बैठे हैं वो भी उपदेश करने लगे बोले कि जिस पुत्र के लिए आप शोक कर रहे हैं ना तो वो पहले आपका था ना अब है और ना आगे होगा क्योंकि ना जाने कितने जन्म में वो किसी का माता पिता बना होगा और आप ना जाने कितने जन्म में उसके माँ बाप या पुत्र पुत्री रहे होंगे ये संबंध जो है स्थिर नहीं है आज है कल खत्म हो जाएंगे एक जो हमारे कर्मा से हैं उसके अनुसार हमें ये शरीर मिलता है उसको पूरा करके हम अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करें ये हमारे जीवन का लक्ष्य होता है जब हम गुरुजनों का बड़े जन जो होते हैं, हमारा मार्गदर्शन करने वाले, उनकी बातों को, जब हम सुनते हैं और अपने जीवन को जीने का प्रयास करते हैं यानी वरिष्ठों की आज्ञा का पालन करना जैसे घर में या परिवार में भी देख लो किसी भी संगठन में संस्था में देख लो जब हम बड़े लोगों का जो हमारे गुरुजन है मार्गदर्शन करने वाले हैं उनकी बातों को ना सुन करके जब हम मनमानी करते हैं तो हमारे जीवन में अनेक प्रकार की आती हैं। तो गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार जब जीवन यापन करेंगे तो हमारे जीवन में कोई कष्ट कभी हो ही ही नहीं सकता। ऐसे ही परिवार में जब बच्चे माँ बाप के अनुसार चलते हैं बड़ों की आज्ञा का पालन करते हैं उनके दिए उपदेशों के अनुसार जीवन जीते हैं तो वो संतान भी सुखी और माता पिता भी सुखी ऐसे ही यहाँ पर एक कथानक के माध्यम से हम देखेंगे कि जब महाभारत का युद्ध होता है उस समय युधिष्ठिर जो है वो धर्मराज कहे जाते हैं वो जो भी कर्म करते बड़ों की आज्ञा लेकर अनुमति लेकर चाहते तो वैसे भी कर सकते थे लेकिन एक मर्यादा होती है जो सज्जन पुरुष होते हैं वो सदा अपने से बड़े जन होते हैं उनका सम्मान करते हैं ऐसे ही युधिष्ठिर थे जब रणभूमि में दोनों सेनाएं खड़ी हुई हैं उस समय उनके मन में आया कि जिनके साथ में युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ वो मेरे वरिष्ठ हैं, मेरे गुरुजन हैं, मेरे पिता माह है मैं कैसे इनसे युद्ध करूंगा तो मन में चिंतन करते हुए रथ से नीचे उतर जाते हैं क्योंकि तो बड़ों के आगे जब आप सिलेंडर हो गए झुक गए उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लिया तो आपकी विजय निश्चित है और युधिष्ठिर इस चीज से पूर्व अवगत थे जब उतरकर वो कौरवों की सेना की तरफ चल पड़े जहां उनके गुरुजन हैं पिता खड़े हुए हैं उस समय अन्य भाई उनके वो परेशान होने लगे कि ये तो रणभूमि है ये कर क्या रहे हैं लेकिन भगवान सब जानते थे उन्होंने अन्य जो उनके भाई थे अर्जुन है भीमना कुल आदि सबको शांत किया कि आप चुप होके देखते रहिए वो क्या करते हैं क्योंकि आज तक उन्होंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिससे कोई कभी किसी को हानि हुई हो युधिष्ठिर तो हाथ जोड़ करके विनम्रता से भीष्म पितामह जी के सामने जाकर बैठ गए और बोले आप मेरे पितामा है मुझे आपके विरुद्ध युद्ध करना पड़ रहा है ये मेरी व्यवस्था है आप हमें युद्ध करने के लिए अनुमति प्रदान करें और अपना आशीर्वाद भी क्योंकि उन्हें पता था कि भीष्म भीष्मिता को हराना असंभव है द्रोणाचार्य हैं कृपाचार्य हैं ऐसे बड़े बड़े गुरुजन उसके पक्ष में खड़े थे जब विनम्र होकर व्यक्ति किसी के आगे झुकता है तो ना चाहते हुए भी अंत्यकरण से दुआएं निकलती है ऐसे भीष्म पितामह बोले अच्छा हुआ कि आप मेरे पास आ गए अगर आपने अनुमति नहीं ली होती तो मैं आपको पराजय का आशीर्वाद कठिन कार्य है मैं आपको पराजित करूंगा कैसे ये रहस्य आप ही बताए तो भीष्म पितामह उन्हें दूसरे दिन अपने पास बुलाते हैं फिर वो कृपाचार्य शल्य जो उनके मामा थे उनसे भी मिलते हैं द्रोणाचार्य थे उनके पास जाकर भी आशीर्वाद लेते हैं कहने का मतलब यही है कि बड़े जनों का जब आशीर्वाद मिल गया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती जैसे कहा जाता है कई बार कोई व्यक्ति बहुत बीमार है बहुत सब जगह इलाज करा लिया कोई दवाई का लाभ नहीं हो रहा वहां पर जब दवाई काम नहीं करती वहां दुआएं काम किया करती हैं तो इसलिए कभी किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाना जब हम किसी की हानि करते हैं या किसी को कोई दुख देते हैं उस समय हो सकता है आपको फल ना मिले लेकिन कभी ना कभी उसका परिणाम सामने जरूर आता है तब हम कहते हैं मैंने तो कभी कोई गलत काम नहीं किया ये मेरे सामने दुख क्यों आया ये बात हमें सीता माँ से सीखने योग्य है जब रामायण के समय में वनवास होता है उस समय सीता माँ को रावण उठा के ले जाता है अनेक प्रकार की बाधाएं है आती हैं उनके जीवन में तो माँ ये नहीं कहती कि ये कष्ट इसने मुझे क्यों दिया वो अपने आप को ही दोषी ठहराती रहा रहा होगा मेरा कोई पूर्व कोई पूर्व जन्म में ऐसा कर्म या प्रारब्ध जिसका फल मुझे आज मिल रहा है जैसे हम कई बार देखते भी हैं कोई व्यक्ति इस जन्म में उसने कोई अच्छा काम नहीं किया लेकिन बहुत सुखी है घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं तब हमारे मन में एक प्रश्न उठता है कि इस व्यक्ति ने कोई अच्छा कार्य नहीं किया लेकिन ये इतना सुखी है भगवान भी न्यायकारी नहीं है हम अनेक प्रकार की टिप्पणी करते हैं वास्तव में देखा जाए तो भगवान न्यायकारी है अभी उसने कुछ नहीं किया लेकिन इससे पहले कोई न कोई ऐसा जरूर कर्म अच्छा किया होगा जिसका फल वो आज पा रहा है अभी अगर कोई गलत काम कर रहा है तो वो अपना अगला भविष्य तैयार कर रहा है तो इसीलिए हमें सदा वो कर्म करना चाहिए सामने वालों को भी कोई पीड़ा ना हो और हमारा कल भी खराब ना हो ऐसे ही युधिष्ठ रणभूमि में जाकर पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य सल्ले जो उनके मामा थे अनेक बड़े बड़े धुरंधर सबका आशीर्वाद प्राप्त कर लिया तो जब वरिष्ठों का आशीष आपको मिल गया तो आपके जीवन में कभी कोई बाधा आई नहीं सकती तो ऐसे ही यहाँ पर चित्रकेतु को ऋषि अंगिरा और नारद मुनि एक मंत्र उपदेश करते हैं जब गुरु के द्वारा मंत्र मिलता है जब हम उसका जाप श्रद्धा से करते हैं तो निश्चित रूप से आपको वो फल प्राप्त होगा जिसकी आपको कामना है तो जब चित्र के तो नारद ऋषि मुनि के द्वारा जब मंत्र प्राप्त किए और जाप करना उन्होंने प्रारंभ किया श्रद्धा से तो उन्हें वो तत्व का बोध होने लगा जिसके उन्हें पहले ज्ञान नहीं था यानी जब नारद ऋषि उनके पास पहुंचे और जब बिलख बिलख के रोने लगे वो तो नारद ने उनको एक दृष्टांत समझाया कि संसार से जो भी आत्मा चली जाती है इस शरीर को छोड़ करके वो बहुत आनंद अनुभव करती है क्योंकि ये शरीर मिला तो किसी न किसी ऐसे कर्म के बस आप संसार में आए जिसका फल ये शरीर है तो शरीर की निंदा नहीं है अगर शरीर आपको मिला है तो ये वो साधन है जिसके द्वारा आप साध्य को प्राप्त कर सकते हैं जो जीवन का परम लक्ष्य है लेकिन कई बार अज्ञानतावस व्यक्ति मोह माया में फंस करके इस शरीर को मेहमान बैठता है और इससे जुड़े हुए जितने रिश्ते हैं संबंधी हैं वो सब मेरे हैं वास्तव में रिश्ते संबंधी समझते हैं वो अपने नहीं ना है ना होंगे ना कभी थे ये केवल एक कर्म का फल था जिसके तहत आप यहाँ पर आए परम तत्व कोई है जो है आपका वो परमात्मा जो कभी आपको छोड़ेगा नहीं तो नारद ऋषि मुनि वहीं बैठ जाते हैं और उनके सामने उस आत्मा का आह्वान करते हैं जो इस शरीर को छोड़ के चली जाती है उसी समय वो आत्मा आती है और पूछा कि आप पुनः इस शरीर में प्रवेश कीजिए आपके सगे संबंधी बहुत दुखी हैं। तो उसका उत्तर था कि ये शरीर मेरा नहीं है ये नाशवान है मैं अपने आनंद स्वरूप में मस्त हूँ मैं पुनः इसमें नहीं आ सकता जब राजा ने ये बात सुनी तो उनका जो अंधकार में फंसे हुए थे जो मोह माया के जाल में बिलक बिलक कर रो रहे थे वो सारा अंधकार समाप्त हो गया कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम अज्ञानता के अंधेरे में डूब जाते हैं उस समय कोई त्रिकालज्ञ ऋषि या कोई गुरु उस सत्ता से हमें बाहर निकाल के परम तत्व की ओर ले जाता है जैसे कहा जाता है कि माया माया का तात्पर्य केवल पैसा धन इकट्ठा करना यह माया नहीं है संसार में कहीं भी अगर आपकी आसक्ति हो रही है उसी का नाम माया है एक उदाहरण के तहत देखते हैं एक गधा था कुमार उसे प्रतिदिन काम लेता ईटे उस पे लाद के लाता फिर रख देता और दोपहर में जब विश्राम करता तो गधे को भी पेड़ के नीचे बांध देता और खुद विश्राम करता एक दिन वो रस्सी भूल गया अब सोचने लगा कि अब मैं क्या करूंगा अगर मैं सो जाता हूँ हो सकता है मेरा गधा कहीं चला जाए तभी वहां से ऋषि गुजरते हैं और उसने देखा कि कोई महात्मा जा रहे हैं। हाथ जोड़ के बोला भगवान आपके पास कोई रस्सी है तो मुझे दे दीजिए महात्मा बोले मेरे पास कोई रस्सी तो नहीं क्या करना है बोले इस गधे को बांधना है पर मैं आज रस्सी भूल गया महात्मा बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है अगर आज रस्सी नहीं लाए तो कोई बात नहीं आप जिस तरह से गधे को बांधते थे, थे प्रतिदिन वैसा ही उस जगह पर खड़ा करके आप नाटक करो महात्मा की बात सुनके उसको बड़ा चंपा लगा ऐसे कैसे हो सकता है, है। तो बांधते थे वहीं ले जाके खड़ा कर दिया और जिस ढंग से बांधता वैसा ही उसने नाटक किया कि गधे को बांध दिया और आराम से लेट गया सो गया और गधा भी वहीं खड़ा रहा बैठा भी सब कुछ किया लेकिन वहां से हिला नहीं क्यों क्योंकि गधे को पता है कि प्रतिदिन मैं यहाँ पर इसी जगह ऐसे ही बांधा जाता हूँ तो मैं बधा हुआ हूँ अब इस कहानी का तात्पर्य है कि जब व्यक्ति मोह माया में फंस जाता है तो उसको लगता है कि मैं तो परम तत्व को प्राप्त कर लिया हूँ यही वास्तविक सत्य है पर ऐसा होता नहीं जैसे कि गधे को बांध दिया उसे बांधा तो था नहीं क्योंकि रस्सी है ही नहीं

गधा अपने आप चल पड़ा तो कहने का मतलब यही है कि संसार में हम बंधे हुए नहीं है वास्तव में एक केवल हमने अपने मन से मान लिया कि ये मेरा है और मैं इसका हूँ जैसे पति पत्नी है भाई बंधु सका कोई भी हो जितने भी रिश्ते हैं सब हमने माने हुए हैं वास्तव में ना तो वो रिश्ते आपके हैं और ना आप उन रिश्ते के हो एक सिद्धांत है शास्त्रों में भी बताया गया है जितने सट दर्शन है सभी में कार्य कारण का जो सिद्धांत है वही काम करता है यानी जो भी घटनाएं घट रही हैं इस जगत में कहीं भी बिना कारण के कोई कार्य कभी का होता नहीं अगर हमारे जीवन में खुशियां हैं उसके भी पीछे कारण है अगर आपके जीवन में कोई कष्ट आ रहा है उसके पीछे भी कोई कारण है जैसे कई बार हम बादलों को देखते हैं ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं तो हम अंदाजा लगाना शुरू करते हैं हो सकता है बारिश हो जाए भले ही हो या ना हो क्योंकि आपने अनुमान लगा लिया कि बादल छाए हैं हवाएं चल रही हैं तूफान भी आ सकता है भी हो सकती है ऐसे ही संसार में कार्य कारण का सिद्धांत जो कणाद ऋषि ने बताया वैसे दर्शन में कि कार्य जो भी हुआ वो बिना कारण के हो ही नहीं सकता अगर कहीं आपने मिट्टी का घड़ा देखा बना हुआ रखा है तो आप सीधा अनुमान लगाएंगे कि जरूर ये कहीं आसपास मिट्टी होगी या कुम्हार का चाक होगा जिसके द्वारा यह घड़ा निर्मित किया गया है तो ऐसे मनुष्य के जीवन में कोई कष्ट आया है जैसे कि राजा चित्रकेतु थे जब नारद का उपदेश उन्होंने सुना मंत्र भी प्राप्त कर लिया गुरु के द्वारा कई बार हम मंत्र लेते हैं उपदेश भी सुनते हैं प्रवचन भी सुना ऋषि के आश्रम में भी गए पूरा सत्संग का आनंद लिया लेकिन जो सुनना था वो सुना ही नहीं कई बार हम गुरुओं के पास जाते हैं उनसे जो पूछना है वो नहीं पूछते हम पूछेंगे कि हमारा बेटा या बेटी है, उसका अच्छा सा जॉब लग जाए, घर में खूब धन संपदा आ जाए जब कहीं गुरुजनों के सानिध्य हमें प्राप्त हो तो उनसे वो सब चीजें मत मांगना जो आज हैं कल तो नष्ट हो जाएंगे क्योंकि परमात्मा ने जिसे इस जगत में भेजा है उसकी व्यवस्था वो स्वयं करता है जब बच्चा जन्म लेता है उसको तो नहीं पता कि मैं संसार में जाऊंगा तो क्या खाऊंगा क्या पीऊंगा उसकी व्यवस्था किसने की परमात्मा ने पहले से ही कर दिया माँ तो भोजन खा रही है लेकिन वो भोजन जो खा रही है वो दूध में कैसे परिवर्तित होगा ये माँ को नहीं पता माँ ने केवल अपना कर्म किया अंदर क्या बनाना है ये परमात्मा को पता है तो जब आप संसार में आए जब आपके मुख में दांत नहीं थे उसने दूध की व्यवस्था की उसको पता था ये रोटी नहीं चबा सकता थोड़े बड़े हुए, तो फल साग सब्जियां उपलब्ध सब करा दिया जब इतना सोच रहा है जो परमात्मा तो आप बड़े हो गए तो आप अपने स्वयं की चिंता स्वयं करने लग गए तो भगवान ने छोड़ दिया कि मेरा बालक मजबूत है मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं लेकिन भक्त जो होता है वो चाहे बड़ा हो बूढ़ा हो जवान कैसा भी हो उसकी बागडोर उसके हाथ में है जैसे बच्चा छोटा होता है उसको नहीं पता मैं क्या पहनूं क्या खाऊं माँ चिंता करती है कि मेरे बच्चे को क्या पहनाना है उसको कैसा भोजन देना चाहिए जिससे बच्चा पुष्ट होगा ऐसे भगवान हमारी सच्ची माँ या पिता कहा जाए तो परमात्मा है हर पल हर क्षण जो आपकी श्वास आ रही है उसकी चिंता आप करते हैं क्या नहीं वो श्वास चलाने वाला परमात्मा है जो हर पल हम सो जाते हैं तो सोते समय हमारी श्वास चलेगी कि बंद हो जाएगी इसकी चिंता हम नहीं करते आराम से बिस्तर में गए और गहरी नींद में सो गए अब सुबह हमारी आंख खुलेगी कि नहीं ये भी हमें नहीं पता जब ये सब वो कर रहा है तो जीवन में कोई कठिनाई आ गई तो समय संसार के आगे नहीं परमात्मा का ध्यान करना एकांत में जाके बैठ करके उसका चिंतन करना शिकायत भी करनी है रोने का भी मन करता है तो उसके आगे रोना अगर संसार के आगे हम रोएंगे उसके आगे शिकायत ना करके दुनिया को अपना दुख बताएंगे तो समस्या ठीक होने की बजाय और बढ़ जाती है कई बार लोग बहुत सहानुभूति से पूछते हैं क्या बात है आप बहुत दुखी नजर आ रहे हैं तो हमें लगेगा कि इसके जैसा हितैषी दुनिया में, में मेरा कोई नहीं हम अपनी सारी व्यथा उसको सुना देते हैं अभी तक आप अकेले परेशान थे अकेले सोच रहे थे अब दूसरा व्यक्ति सुना आप जब अपनी बात अपने पास नहीं रख सके तो सामने वाला व्यक्ति आपकी बात अपने पास रखेगा ऐसे कभी हो ही नहीं सकता वो तीसरे व्यक्ति को जाके बताएगा तो जो वाइब्रेशन आपने भेजा वो थर्ड पर्सन भी वही सोच रहा है कि ये व्यक्ति बहुत दुखी है इससे क्या हुआ डबल वाइब्रेशन काम कर रहा है वहां पर तो आपकी समस्या और बढ़ेगी लेकिन जब हम वही परमात्मा का चिंतन करते हुए उसे अपनी सारी व्यथा बता देते हैं मन भी हल्का होता है और हमारा समाधान भी मिल जाता है कई बार मन में पता नहीं चलता किस दिशा में जाए चारों तरफ अंधेरा छा जाए दुनिया में कोई रास्ता नजर ना आए उस समय परमात्मा आपको राह दिखाता है मोह माया में फंसा हुआ व्यक्ति यानी मैं और मेरा अज्ञानता पूर्वक करने कर्म वाला व्यक्ति जो भी कर्म करेगा तो दुख पाएगा वास्तव में ना मोह कुछ है ना माया कुछ है जब आपने ये जान लिया कि ये शरीर नश्वर है आज है कल नहीं रहेगा क्षण क्षण नष्ट हो रहा है पता नहीं कब ये श्वास आए कब रुक जाए जो श्वास अंदर गई वो दोबारा लौटेगी कि नहीं हमें नहीं पता जब परमात्मा पे दृढ़ विश्वास करके आप हर कर्म करते हैं तो आपकी आयु भी दीर्घ होती है जीवन में कोई कठिनाई कभी आपके जीवन में आ ही नहीं सकती जिसने भगवान को अपना सर्वस्व सौंप दिया उसकी बागडोर वो स्वयं संभालता है जैसे द्रोपती का उदाहरण सबको पता है। जब उनका चीर हो रहा था, पांच पांच पति उनके धुरंधर सामने बैठे हुए हैं पितामह भीष्म बड़े बड़े धुरंधर सब सामने थे कोई उनकी रक्षा के लिए नहीं उठा उन्हें पूरा विश्वास था कि मेरे पांच पति हैं वो मेरी रक्षा करेंगे लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हुआ देखती रही चारों तरफ घुमा के नजर की कोई तो उठेगा मेरी रक्षा के लिए लेकिन नहीं जब पांच पतियों का भी भरोसा क्योंकि अगर उस समय भगवान रक्षा करते तो हमें यही लगता कि ये मैंने अपने बल पे अपनी रक्षा की है यानी अहंकार कहीं न कहीं रह जाता तो भगवान शांति पूर्वक देखते हैं कि मेरा भक्त असहाय है वो अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा है मुझे पुकार रहा है तब वो आता है जब आंख बंद कर ली दांतों से भी साड़ी निकल गई और चीख पुकार करके हृदय से भगवान को पुकारा कहते हैं जो निवाला हाथ में था वो ना मुख में गया ना वहीं वहीं छोड़कर सीधा दौड़ पड़े कहने का तात्पर्य यही है कि परमात्मा पर दृढ़ विश्वास करके आप जब अपने जीवन का यापन करेंगे तो कभी कोई कष्ट हो ही नहीं सकता अंधकार में में व्यक्ति जब जीवन जीता है तो अनेक दुख पाता है मोह माया में फंसा हुआ कैसे एक उदाहरण और जैसे शराबी थे कुछ बहुत सारी दारू पीली और नाव में बैठ गए कि मुझे मथुरा के लिए जाना है नाव में तो बैठ गए और चप्पू भी चलाते रहे रात भर खूब चलाया अब सवेरा नशा उतरा धीरे धीरे तो आंखें खुली बोले कि जहां से हम चले थे जो दृश्य हमने देखा था वहीं बड़े बड़े पेड़ हैं नदिया हरियाली चारों तरफ है यही दृश्य मथुरा में भी वैसा ही है तो जो दूसरा शिष्य बैठा हुआ था उसने देखा कि हम जहां से चले थे नाव को हमने खोला ही नहीं उसी जगह पे खड़ी है और रात भर चप्पू चलाते रहे अगर खुली होती तो हो सकता है जहाँ मंजिल थी वहां पहुंच जाते लेकिन जब हमने रस्सी से खोला ही नहीं खूटे से तो कैसे पहुंचेगी नाव आपकी वहां पर तो कहने का मतलब यही है कि मोह माया में फंसा हुआ व्यक्ति अगर भगवान की उपासना भी करता है तो भी जीवन में कष्ट आएगा अगर आप संसार में हैं और इस भाव से कर्म करते हो कि मैं कर्म तो कर रहा हूं इसलिए कि मेरा कोई प्रारब्ध रहा होगा जिसका फल आज मेरे सामने है लेकिन आपकी निष्ठा भगवान में है कि वो परमात्मा हर पल हर क्षण मेरे कर्मों को देख रहा है इस भाव से जागरूक व्यक्ति जब कर्म करेगा तो वो जो शराबी जो नाव में बैठे थे उनको पहुंचना था वहां पहुंच जाते लेकिन रस्सी खोली नहीं ऐसे ही हमारे जो ज्ञान का अज्ञान का जो पर्दा पड़ा है हमारे प्रकाश पर हमारे ज्ञान तत्व पर जब तक वो नहीं हटेगा आप अपने लक्ष्य को नहीं पा सकते तो ये कब मिल सकता है जैसे ऋषि अंगिरा या नारद मुनि जैसा कोई समर्थ गुरु जब हमारे जीवन में आते हैं तो खुशियां भी आती हैं जो कष्ट आया वो सहजता से खत्म हो जाता है और हमें पता भी नहीं लगता जब व्यक्ति मऊ माया में फंस करके आगे बढ़ने का प्रयास करता है ना तो वो लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है और ना ही जीवन में जो दुख थे उनसे उभर पाता है तो कहने का तात्पर्य यही था कि व्यक्ति जैसे कहा जाता है कि ये मेरी माँ है बहुत आसक्त तो हो जाता है और ये मेरे पति हैं मैं इनकी पत्नी हूँ अब कहने का मतलब ये नहीं कि रिश्ते संसार में उनको नाने वाएं उनको बहुत श्रद्धा से निभाना बहुत प्रीति पूर्वक निभाना जैसे कई परिवारों में कलह हो जाती है उसका कारण क्या है पत्नी को क्या चाहिए थोड़ी सी प्रशंसा सुनना चाहती है पुरुष उससे कहो कि आप भी बहुत अच्छा काम करते हैं एक दूसरे के प्रति समर्पण एक दूसरे को उभारने की चेष्टा तो शायद कभी किसी घर में कोई कलह नहीं होगा तो ऐसे ही चित्रकेतु थे उनकी बहुत सारी रानियां थी लेकिन बड़े रानी को जो प्रसाद दिया गया और उससे पुत्र हुआ लेकिन अन्य रानियों को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई इससे क्या हुआ घर में क्लेश हो गया अगर राजा वही समझदारी से काम लेते अन्य रानियों को भी वही सम्मान देना चाहिए था जो बड़ी रानी को देते थे तो शायद हो सकता है उनके पुत्र के प्राण बच जाते तो कहने का मतलब थोड़ी सी हमारी लापरवाही या भूल बड़ी-बड़ी जो समस्याएं हैं उनको लेकर के सामने आ जाती है अगर परिवार में एक व्यक्ति भी समझदार है तो वो परिवार कभी दुखी है? हो ही नहीं सकता परिवार में बहुत सारे लोग हैं सबकी अपनी-अपनी मर्जी चलती है आजकल तो फोन भी है किसी से किसी से बात करने का समय नहीं फुर्सत नहीं जब परिवार में आप आते हो दिन भर के काम करने के बाद थोड़ी देर सब लोग आपस में मिलकर के मंदिर में जरूर इकट्ठे हो जाओ उस परमात्मा का चिंतन करो उसे धन्यवाद जपित करना कि आज आपकी कृपा से प्रभु मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा व्यतीत हुआ इस भावना से एक बार भी अगर व्यक्ति जाकर के कह देता है तो दिन भर जो भी कर्म किए थे वो सब समाप्त हो जाते हैं और सुख से सो पाता है आनंद की नींद आती है तो भगवान की भक्ति करने के बाद जीवन में क्या आता है अगले अंक में देखेंगे कैसे हमारा जीवन खुशियों से भरता है इसी के साथ में वाणी को विराम देती हूँ ओम ओम शांति 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 ओम श्री परमात्मने नमः